नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए श्री कृष्ण जी का, कान्हा जी का, मुरली मनोहर, बांके बिहारी जी का आप लोगों के लिए दिव्य संदेश। तो तैयार हो जाएं आपके जीवन में आने वाले समय के लिए। श्री कृष्ण जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ आपके जीवन के बारे में बताना चाहते हैं, कुछ ऐसे संदेश देना चाहते हैं जो आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे इस रीडिंग में। मैंने रखे हैं यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं, यहाँ पर अग्नि देवता का कार्ड मैंने यहाँ रखा है। आपको यदि अच्छा लगे तो आप इसे चूज़ करें। और यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, यहाँ पर ऑप्शन 2 में मैंने रखे हैं श्री शनिदेव महाराज। और आज है शनिवार का दिन और मैंने शनिदेव जी का कार्ड यहाँ पर ऑप्शन 2 में रखा है। यदि आपको ऑप्शन 1 अच्छा लग रहा है तो आप इसे चुनें, और यदि आपको ऑप्शन 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इसे चुन सकते हैं। शुरू करूँगी मैं इस रीडिंग को, यानी आपके जीवन में कृष्ण जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर आपकी कमेंट, आपका लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आप लोग नीचे मेरे जो वीडियो हैं उनके नीचे सुपर थैंक्स का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी क्षमता अनुसार सुपर थैंक्स दे सकते हैं। 40 रुपये से शुरू है। आप लोग यदि सुपर थैंक्स देते हैं तो मुझे बेहद ही खुशी होगी। और यहाँ पर शुरू करूँगी ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए मुरली मनोहर कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं। कान्हा जी की जो फैन कॉलिंग है बहुत ही बड़ी है। कुछ लोग कृष्ण जी को बेटा मानते हैं, कुछ सखा मानते हैं, कुछ लोग दोस्त मानते हैं, कुछ भाई मानते हैं। इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना एक अलग ही रुतबा फैलाया हुआ है। कृष्ण जी मथुरा में जो है मथुरा नरेश के नाम से जाने जाते हैं। मैं भी मथुरा गई हूँ। यदि आप मथुरा जाएंगे कभी तो आपको मथुरा में जैसे ही आप अपना कदम रखेंगे एक अलग सी अनुभूति आपको नज़र आएगी, अलग सी एक हवा में एक अलग सा मुरली की धुन आपको सुनाई देगी और आपको कृष्ण 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 चारों तरफ आपको सुनाई देगा। बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग मथुरा नगरी अवश्य एक बार आएँ। हर हर महादेव। और यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कृष्ण जी का दिव्य संदेश ऑप्शन 1 के लिए। हे मुरली मनोहर, आपको मानने वाले लोगों के लिए आप अपने जीवन में जो आप लोगों की आप लोग हे कृष्ण जी आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाले लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड्स मैं ओपन कर ले रही हूँ। आप कृपया यहाँ पर मेरा मार्गदर्शन करें। मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में इस टाइम पर हैं और कृष्ण जी से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे कि हे ईश्वर हमें रास्ता दिखाओ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। आपको एक मदद मिलने वाली है आपकी लाइफ में। ये कार्ड भी अपने आप गिर रहा है तो मैं इसको ले लेती हूँ। किसी मित्र से आप रुष्ट हो, कोई मित्र है उसकी तरफ से यहाँ पर समस्या आती दिख रही है। यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, कृपया आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ आपको देखनी है। इस समय जो आप देखिए, इस समय जो आपका टाइम है वो आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हो और ईश्वर आपके लिए मदद भेज रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको एक महिला मदद करती मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर
कोई व्यक्ति भी हो सकता है, यानी पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो मुझे फीलिंग आ रही है वो किसी महिला की आ रही है, जो ये जो इस तरीके के क्षेत्र होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा निपुण है। यहाँ पर कोई बचपन का मित्र जो है वो भी, उससे भी आप थोड़ा सा यहाँ पर समस्या में, उसी के कारण समस्या में गिर गए हो, उसकी आप उसकी जो कामों की वजह से आप समस्या में हो, लेकिन आपका अच्छा टाइम आ रहा है, आपका परिवार आपको इन समस्या से निकालता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं किसी प्रकार की साझेदारी जो है वो खराब हुई है, साझेदारी टूटी हुई है, यानी कोई मित्र था बचपन का भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपकी साझेदारी थी, जिसके साथ आपने कोई व्यापार, आपने कोई काम करने की सोची या आपने किया है पहले, तो यहाँ पर अब आपके लिए वो जो व्यापार है, वो समझौता, वो साझेदारी यहाँ पर आपके लिए समस्या खड़ी करती नज़र आ रही है। हर हर महादेव। यहाँ से भी मैं देखूँगी, बहुत ज़्यादा आप समस्या में हो, और इस समय आपकी स्थिति में बताऊँ, आप अपना अंदर इस तरीके की फीलिंग सोच रहे हो, बिल्कुल आगे आपको कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, अंधेरा दिख रहा है, लेकिन आपके आपसे कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो आपके लिए मदद भेज रहे हैं, आपको उस मदद को पहचानना है और आपसे जो कहा जाए वो आपको करना है। हालांकि अब आप यहाँ पर एक तरीके से मैं देख पा रही हूँ, बहुत सोच समझ के आगे कदम रखेंगे अब, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो आपकी सोच भी कुछ ऐसी है। आपका परिवार का साथ नज़र आ रहा है, साथ ही साथ देख रही हूँ जिन लोगों की शादी हो गई है उनकी जो साथी हैं वो उनका पूरा पूरा सहयोग करती नज़र आ रही हैं, इस विकट परिस्थिति में आपका साथ देती नज़र आ रही हैं, आपकी या आपके हस्बैंड, आपके दोस्त, आपका परिवार जो है आपका साथ देता नज़र आ रहा है, और ये धोखा खाने के बाद आप जो हैं बहुत सोच समझ के कदम रखने की आपने ठान ली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। द हाई प्रिस्टेस, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है कि महिलाएं नज़र आ रही हैं यहाँ पर, एक महिला, यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं आप लोगों की सहायता करती हुई, और ये बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, ईमानदार हैं, अपने कार्य क्षेत्र में निपुण हैं। जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए ईश्वर ने किया है, ईश्वर पर विश्वास रख के, ये जो आपने अपने अंदर ये जो विचार डालेंगे, अब मैं आगे से जो भी करूँगा बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा विचार करके करूँगा। यहाँ पर ये सोच विकसित करने के लिए आप बहुत अनुशासन से चलें, ऐसा करने के लिए ईश्वर ने आपको ये ठोकर दी है, आपके जीवन में ईश्वर ने ठोकर दी है, और आपको ठोकर लगी है, माना कि ठोकर लगी है, लेकिन आपको सहारा देने के लिए भी ईश्वर ने भेजा है। यदि आप ये कहते हो कि ईश्वर ने आपको ठोकर क्यों दी है, तो एक हाथ, एक सहायता के लिए, आपको संभालने के लिए भी आपके जीवन में कुछ लोग हैं, आपको अच्छा परिवार दिया है जो आपका साथ हमेशा देगा। एक परिवार होता है जो कभी भी हमारा किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ता, दुनिया साथ दे ना दे, लेकिन परिवार जो है हमेशा साथ रहता है। आपको अपने परिवार के साथ बॉन्ड बना के रखना है, उनकी भी अच्छी बातों को मानना है, क्योंकि वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग, अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए श्री कृष्ण जी का क्या संदेश आ रहा है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण राधे। ऑप्शन 2, हर हर महादेव। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं,
साथ ही सार सुपर थैंक्स देने का प्रयास करें मात्र 40 रुपये से। यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा होगा वीडियो के, आपको सुपर थैंक्स देना है। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो 40 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आपका जो सहयोग है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव। मैं पहले यहाँ पर कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। द स्टार, कोई काम कर रहे हो, वो काम पूरा नहीं हो रहा, आपको लगता है कि अब ये काम हुआ, एक तरफ से कोई समस्या ख़त्म होती है तो यहाँ पर दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। विषम परिस्थितियाँ हैं, हालांकि आसपास के लोग आपके साथ हैं, आपका परिवार। देखो फर्स्ट रीडिंग में भी परिवार साथ था और सेकंड रीडिंग जो है इसमें भी परिवार का पूरा पूरा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था किसी भी परिस्थिति में परिवार जो है वो साथ नहीं छोड़ता। आपकी जो सहयोगी हैं, साथी हैं जीवन के, वो आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, आप उनके साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। हालांकि आपके जीवन में समस्या जो है एक ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है और आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी आशा की किरण यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। साथ ही साथ आ गया है 6 of Swords की एनर्जी, उद्देश्य तक नहीं पहुँच पा रहे हो भाई, बहुत प्रयास कर रहे हो, दिक्कत आ रही है, समस्या से निपटने का पूरा पूरा प्लान बनाते हो लेकिन समस्या बड़ी हो जाती है। यानी एक कदम दूसरी, यानी जैसे जैसे ये तो वही वाली बात हुई ना कि जैसे महिलाएं जो होती हैं ना, तो जब अपने घर का काम करती हैं ना तो वो 4 काम करती हैं। यानी महिलाएं सोचती हैं मन में कि ये काम करना है, ये रह गया, तो 4 काम उनके माइंड में होते हैं कि 4 काम हैं, तो एक काम कर लेती फिर दूसरा करती, फिर कहती है यार अब तो एक ही काम रह गया, चौथा काम जैसे ही ख़त्म करने वाली होती है, यानी कहाँ से वो पांचवा काम उनको याद आ जाता है। महिलाओं को कहती हैं यार ये काम ही ख़त्म नहीं होता। ऐसे ही आपकी कुछ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, आपको समस्या जो है आप कह रहे हो अब ये ख़त्म करके समस्या नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप सोचते हो कि अब ये दिन जो है ये दिन और कट जाए, जैसे ही वो दिन कटता है दूसरे दिन एक अलग ही समस्या जो है आपके सामने खड़ी हो जाती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है, कोई महिला जो है यहाँ पर अपनी दावेदारी करती नज़र आ रही है। आपके घर में कलह की स्थिति आ रही है, यानी कोई महिला है जो यहाँ पर कलेश का कारण बनती नज़र आ रही है। ये महिला वाद विवाद बात करने में भी बहुत ज़्यादा निपुण है। साथ ही साथ द मून की एनर्जी आ गई है, इस समय बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपको हो रहा है, समस्या में आदमी जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, उसकी मतलब की कोई बात करे तो वो सुन भी लेता है यानी, और यदि कोई उससे ना वैसी बात करे जो उसके मतलब की नहीं तो उसको पसंद नहीं आती। दूसरी बात, यदि कोई प्यार से भी कह रहा है तो यहाँ पर कुछ लोगों से चिढ़ते नज़र आ रहे हो, लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है, लोग आपके विपरीत बोल रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है। यदि कोई बात आपके मतलब की भी है तो भी आप सुनना पसंद नहीं कर रहे हो, कोई प्यार से भी बोल रहा है उससे भी चिड़चिड़ा जा रहे हो, चिड़चिड़ाहट देख रही हूँ। काम ना होने की वजह से हर हर महादेव, ये कार्ड अपने आप गिर गया, मैं ले लेती हूँ। जस्टिस, वाओ, ये जो कार्ड आया है ना बहुत ही पॉजिटिव। यहाँ पर आपकी जो आपको अवसर नहीं मिल पा रहा है, मैं एक तरीके से ये देख रही हूँ, आप अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हो, यानी जीत हार का फैसला तो बाद में होता है, लेकिन यदि किसी को परीक्षा ही नहीं देने दी जाए, यानी कहीं आपका डांस प्रोग्राम है, माना कि कहीं पर आपको डांस करना है लेकिन आपको स्टेज पर ही नहीं चढ़ने दिया जाए, आपको अपनी योग्यता दिखाने का अवसर ही नहीं दिया जाए, तो फिर कैसे लगेगा। तो यहाँ पर एक महिला की वजह से थोड़ी सी समस्या दिख रही है, यहाँ पर चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है, खुश हो जाइए। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके किए हुए जो कर्म हैं, आप एक तरीके से मैं देख रही हूँ आप ईमानदार हो, आप डगमगाते नहीं हो, आपका कठिन टाइम चलने पर भी आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा रखा है, आपने धैर्य रखा है, और जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है ना और समस्या को जिसने झेलना सीख लिया उसकी तो परीक्षा तो बहुत बड़ी होती है,
लेकिन जब उसका सही समय आता है तो ईश्वर उसे बहुत कुछ देते हैं। यानी समस्या जब ज़्यादा आ जाए जीवन में तो आपको सोच लेना चाहिए कि अब जो है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात होती है। तो यहाँ पर आपका बहुत ख़राब टाइम चले, बहुत दिक्कत आए, टूटा टूटा महसूस करें, मेहनत आपकी सफल ना हो, तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि बस अब चिड़ियाँ चहकने वाली हैं, मुरली बजने वाली है और श्री कृष्ण आपको कह रहे हैं कि आपका अच्छा समय आएगा। लेकिन आप जिस रास्ते पर चले हो, धैर्य साहस ईमानदारी आपको रखनी होगी। थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आपको चिड़चिड़ापन महसूस नहीं करना चाहिए, आप वहाँ पर भी चिड़चिड़ापन महसूस कर जाते हैं। एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझा देती हूँ, शायद आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। यदि किसी नाम से आपको चिढ़ है लेकिन कुछ लोग आपको उसी नाम से चिढ़ाएँ, यानी ऐसा कोई नाम जो आपके आपके मन को ना भा रहा हो, जैसे कुछ लोगों का रंग थोड़ा सा डार्क होता है तो कल्लू कल्लू ऐसे बोल देते हैं लोग, अरे कलुआ, कोई मोटा है, मोटी जा रही है ना, इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति आपको उस नाम से पुकार रहा है, आपके प्रति ऐसी कोई बात कह रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपके कानों को नहीं भा रही है और आपको गुस्सा आ रहा है, यदि आप इस बात पर गौर ही ना करें तो जो व्यक्ति आपको चिढ़ा रहा है ना, वही टेंशन में आ जाएगा, सोचेगा अरे यार ये चिढ़ क्यों नहीं रहा, तो ये उल्टा उसको टेंशन होगी, आप सुनो ही नहीं, आप नजरअंदाजी मत करो, आप बुरा ही मत मानो, आप कहते रहो मेरा तो ऐसा कोई नाम है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके का एटीट्यूड आपको अपनाना है, आपको अपने पद पर चलना है, दूसरे की बातों पर ध्यान देकर अपने काम में विघ्न नहीं डालनी है जिस उद्देश्य से चल रहे हैं। आज आपको भले ही अपनी योग्यता दिखाने का अवसर ना मिला हो, आपको भले ही स्टेज पर चढ़ने का मौका ना मिला हो, मंच पर आप जा ना सके हों, लेकिन ईश्वर एक बार हर किसी हारे व्यक्ति को जीतने का एक बार जरूर मौका देते हैं। ये मेरा पर्सनल जो है विश्वास है, मैं आपको सही बात बोल रही हूँ। ईश्वर एक बार एक ऐसा मौका अवश्य देते हैं कि यदि आप अपने जीवन में हार गए हो तो जीत हासिल करने का एक मौका आपको अवश्य मिलेगा। यानी आपके जीवन में कोई एक ऐसा पड़ाव अवश्य आएगा जिसमें आप अपनी योग्यता को साबित कर सकोगे। तो बहुत ही जल्द आएगा ऐसा समय, ऐसा विश्वास करके, क्योंकि आपके लिए आया है जस्टिस का कार, श्री राम के पद चिन्हों पर चलकर बहुत ही शालीनता से धैर्य रखकर आगे बढ़े, न्याय आपके साथ अवश्य ही होगा। ये श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं, ये मेरी आवाज़ नहीं, ये महादेव और श्री कृष्ण की आवाज़ है कि आपको आपके उद्देश्य में आप अपने जीवन में अवसर का इंतज़ार करें और अपनी तैयारी करें। यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा राम जी वाला जो रूप है, यानी कृष्ण जी की अलग बात थी और राम जी की अलग बात थी, तो यहाँ पर कृष्ण जी की, और देखो मुरली बज गई है, हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा, मुरली बज गई है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। यानी हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि कब हमें श्री कृष्ण जी के उस पर चलना चाहिए, पद चिन्हों पर, कब राम जी की। तो आपके लिए आई है राम जी की एनर्जी, धैर्य रखें, साहस रखें, राम जी के अंदर जो प्रवृत्ति थी उनको अपनाएं और धैर्य से अपने काम को करें। बहुत ही विषम परिस्थिति, राजा बनते बनते श्री राम जी को वनवास 14 वर्ष का हो गया था, एक रात में ही उनका, जो देखिए एक तरीके से कोई और व्यक्ति हो तो एकदम से बौखला जाए ना, सिंहासन मिलते मिलते यहाँ पर 14 वर्ष का वनवास मिल गया राम जी को। धैर्य नहीं खोया, धैर्य नहीं खोना है आपको भी, ये राम जी आपसे कह रहे हैं। विषम परिस्थिति में आपको भी राम जी की तरह, जहाँ राम जी को सिंहासन मिलते मिलते यहाँ पर वनवास मिल गया 14 वर्ष का, तो आपको भी यदि कोई, देखो वनवास से ज़्यादा विकट परिस्थिति नहीं आने वाली है ना, राम जी ने तो बहुत ज़्यादा परिस्थिति काटी थी, भगवानों की उन्होंने काटी थी। तो यहाँ पर आप इंसान हो, आपके लिए तो ईश्वर है आपको गाइड करने के लिए, यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं धैर्य रखें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कल मिलेंगे ऐसी ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।